नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिद्धि पहल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में, जो हमारे नेबर्स के साथ जो सिचुएशन चल रही है, चाइना ही नहीं पाकिस्तान के साथ भी इंडिया के क्या रिलेशन रहेंगे, पाकिस्तान और चाइना के क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा आपस में, इन सब के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। मेरे पिछले वीडियो में जिसमें मैंने सूर्य ग्रहण की बात करी थी, उसमें मैंने ये बताया था कि जो बॉर्डर पे सिचुएशन है वो कोई बहुत अच्छी नहीं होगी और इंडिया को, हिंदुस्तान को स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। अगर आप हिंदुस्तान की हॉरोस्कोप देखते हैं तो हिंदुस्तान की हॉरोस्कोप में जो तीसरा घर है, एज पर मेदिनी एस्ट्रोलॉजी, मंडेन एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि जो हम पढ़ते हैं जब हम देश के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, किसी भी कंट्री की सिचुएशन के बारे में प्रिडिक्शन के लिए हम जो है मंडेन एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो एज पर मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो तीसरा घर है किसी भी देश के कुंडली में, अगर आप तीसरा घर देखेंगे तो वो जो है उस देश के नेबर्स के बारे में बताता है। तो हिंदुस्तान की कुंडली में 5 ग्रह जो हैं वो तीसरे घर में बैठे हैं और अभी जो हिंदुस्तान की दशा चल रही है, ऑल्सो जो अभी गोचर है, जो ट्रांजिट है, उसके हिसाब से भी तीसरा घर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो अभी जो है बॉर्डर्स को लेके, हमारे जो नेबर्स को लेके जो है अभी काफ़ी हलचल भी हो रही है, काफ़ी जो है चीज़ें घटित हो रही हैं बॉर्डर्स पे। ग्रहण 1 महीने के टाइम फ्रेम में 5 जून से 5 जुलाई तक के बीच में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। ग्रहण जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उनका जो इम्पैक्ट होता है, उनका जो असर होता है वो मास लेवल पे होता है, वो पूरे देश पे जो है उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। देश पे ही नहीं, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जो लोग पावर में होते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग पे या उनके ऊपर भी जो है ग्रहण का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ग्रहण जहाँ जहाँ पड़ता है, जहाँ जहाँ दिखाई देता है, वहाँ पे उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जब भी मैंने आपसे ग्रहण के बारे में बात की है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि किस किस जगह पे जो है ग्रहण विजिबल होगा। अब जो 21 जून को सूर्य ग्रहण है वो हिंदुस्तान के साथ साथ चाइना में भी विजिबल है, पाकिस्तान में भी विजिबल होगा। इस ग्रहण का चाइना की इंटरनल कंडीशन पे बहुत अच्छा असर नहीं होगा। इंटरनली जो चाइना के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अभी खुश नहीं है। इकोनॉमिकली भी चाइना जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना वो अभी तक पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस देता आ रहा है। ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये अभी से लेके, इस सूर्य ग्रहण से लेके 2021 फरवरी तक जो है ये सिचुएशन जो है वो चलेगी। ये साल, खास करके अगला साल जो है वो चाइनीज इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। चाइना में इंटरनली जो है सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होगी जहाँ पे जो है लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। जैसा हम पहले भी देखते आ रहे हैं, जैसा पिछले सालों में तो हमने देखा है, पिछले सालों में क्या, जब से इंडिपेंडेंस हुई है तब से हम ये देखते आ रहे हैं कि जब भी हमारे पड़ोसी देशों में कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट होता है या इंटरनली सिचुएशन सही नहीं होती है तो वो बॉर्डर इशू रेज कर देते हैं या बॉर्डर पे हलचल करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो लोग हैं वहाँ पे उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए या सिचुएशन को जो है इग्नोर कर दिया जाए और बॉर्डर की सिचुएशन पे जो है डिस्कशन होने शुरू हो जाए। तो ऐसा ही चाइना भी अभी कर रहा है, क्योंकि इंटरनली सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर हो रही है, तो वो दुनिया का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इंडिया के साथ बॉर्डर पे इश्यूज क्रिएट कर रहा है। इस ग्रहण के बाद चाइना के साथ साथ पाकिस्तान में भी जो इंटरनल सिचुएशन है वो कोई बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। मैंने अपार्ट फ्रॉम रीडिंग द हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया, मैंने जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं, जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप्स को स्टडी किया। उन दोनों की जो दशाएं हैं वो अभी कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और जैसा मैंने कहा आपसे कि जब ग्रहण पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट जो हेड ऑफ द स्टेट है उनके डिसीजन मेकिंग पे भी होता है। अब जब डिसीजन हेड ऑफ द स्टेट सही नहीं लेंगे तो उसका इम्पैक्ट
देश के एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसके पॉलिटिकल सिस्टम पे, सोशल सिस्टम पे भी देखने को मिलेगा। जब डिसीजन सही नहीं होंगे, जब सिस्टम सही नहीं होंगे, तो क्या होगा, लोग परेशान होंगे। इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली जो ये ग्रहण है, उसके बाद जैसा इंटरनल सिचुएशन तो अच्छी नहीं है, इनफैक्ट जो उनके हेड ऑफ द स्टेट हैं उनके लिए भी इसका जो रिजल्ट है वो कोई बहुत ग्रेट नहीं होगा। पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत मेजर कोई चेंज आएगा या देर कैन बी चेंज ऑफ पावर एज वेल। इसके साथ साथ पाकिस्तान और चाइना में भी आपस में भी जो है एक स्ट्रेस वाली और एक टेंशन वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी। टॉकिंग अबाउट इंडिया, हमारे जो देश की प्लानिटरी पोजीशन है इस टाइम वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया को सर्टनली स्टेप उठाना पड़ेगा टू कंट्रोल चाइना, टू कंट्रोल पाकिस्तान, और इंडिया जो है सक्सेसफुली ये करने में कामयाब भी होगा। सो फ्रेंड्स, लेट अस ऑल गेट टुगेदर, कलेक्ट टुगेदर एंड प्रे फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ आर इंडियन आर्मी। हमारी आर्मी की, हमारी आर्मी मैन की फैमिली के लिए, हमें उन सब की स्ट्रेंथ के लिए, उन सब की हिम्मत के लिए एकजुट होकर प्रे करना चाहिए।